तो कैसे हो गाइज, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल लकी मैन में। तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, मैं इतना ज़्यादा गैप ले रहा हूँ, पता नहीं मैं कैसे टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। ये चीज़ मैं जानता हूँ गाइज, मेरे से नहीं हो पा रहे मैनेज और रेगुलर कंटेंट में पोस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए सॉरी गाइज। प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, जो लोग नए हो प्लीज़ बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, ताकि जो मेरी अपकमिंग वीडियोस रहती है ना गाइज, उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। प्लीज़ गाइज सपोर्ट करो, मैं ट्राई बहुत करूँगा, अपने एफर्ट्स बहुत दूंगा रेगुलर वीडियोस अपलोड करने के लिए। गाइज मैं आप सबको बता दूँ कि मेरा शेड्यूल एक, मैं एक अपने शेड्यूल का वीडियो बना के बताऊँगा कि मेरे पूरे दिन में क्या शेड्यूल रहता है, मैं वीडियो के लिए कैसे टाइम नहीं निकाल पाता हूँ, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करूँगा आने वाली कुछ वीडियोज़ पर। तो गाइज आज मैं सबसे पहले ये न्यूज़ कवर करने वाला हूँ जो कि अभी चल रहा है। गाइज मैं बहुत दिन से अपडेटेड नहीं हूँ इस चैनल पे, मेरा यही चैनल है गाइज, तो मैं आप सबको न्यूज़ दे दूँ। आप दूसरे अगर न्यूज़ चैनल्स को फॉलो करते होंगे, जो मुझे ही सिर्फ फॉलो करते हैं उनके लिए मैं आप सबको बता दूँ कि गाइज अभी एक चीज़ कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है। अग्रिमा जोशुआ एक है कॉमेडियन है गाइज, स्टैंड अप कॉमेडियन। तो गाइज बेसिकली उन्होंने क्या है, छत्रपति शिवाजी के बारे में कुछ गलत कह दिया था एक स्टैंड अप कॉमेडी, मतलब जो वीडियो होती है ना उनकी, उसमें। तो गाइज उसके लिए उन्होंने सॉरी भी बोला। और एक गाइज हमारे हिंदुस्तानी भाऊ जी हैं, जैसे ही वो वीडियोस बनाते हैं, एक और है हमारे शुभम मिश्रा भाई, वो भी वीडियो बना दी उसके तहत। मतलब गाइज उनको ये चीज़ ठीक नहीं लगी कि कोई रिलीजन या कोई भगवान के ऊपर वीडियोज़ बन रही है, तो उन्होंने इतने बैड वर्ड्स यूज़ किए। गाइज मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ उनका साथ क्या क्या हुआ। गाइज उनका यूट्यूब ने चैनल भी टर्मिनेट कर दिया और उनको वडोदरा पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया है। तो गाइज मैं आप सबको बता दूं कि इसी को लेकर आज हिंदुस्तानी भाऊ ने एक अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड किया है, और गाइज एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक स्टैंड अप कॉमेडियन ने शिवाजी महाराज जी के बारे में कुछ बोला था। तो गाइज उसके लिए उनको फिजिकली टॉर्चर यानी उनको घर घुस के मारा गया है, वो वीडियो वायरल हो रहा है। गाइज मैं आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगा, अभी आप मेरी क्लिप्स देखते रहो। मिश्रा ने ऐसा किया, शुभम मिश्रा ने वैसा किया, तुम लोग इंग्लिश में गाली देते हो वो चलता है, कूल है ना, हिंदी में गाली दिया तो वो गलत हो गया। जिन्होंने छत्रपति महाराज का जो अपमान किया था, उन लोग ने वीडियो बना के सॉरी बोल दिया, शुभम मिश्रा ने भी सॉरी बोल दिया, उसके ऊपर कार्रवाई हो गया, होनी चाहिए। अच्छा काम करने वालों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। जी छत्रपति शिवाजी महाराज का हमारे अपमान किया, उनका क्या, उन्होंने सॉरी बोल के निकल गया, हो गया खत्म, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं। कुछ टाइम पहला ये मुंबई में एक लड़की के ऊपर गलत हो रहा था, तब शुभम मिश्रा ने मेरे को कॉल की, वो लड़की को मेरा नंबर दिया, ये देखो मैंने उसके ऊपर FIR करवाया था, वो लड़की के ऊपर वीडियो भी दिखाता हूँ। आप अगर कभी हैरेसमेंट का शिकार होते हो तो प्लीज आप उसके बारे में कंप्लेन कीजिए। अगर आप अनकंफर्टेबल हो या कुछ प्रॉब्लम है या आप घर पे बता नहीं सकते हो, तो हमारे पास ऐसे भी कुछ लोग हैं जो हमें सपोर्ट करें इसमें, एज हिंदुस्तानी भाऊ शुभम मिश्रा। मैं कुछ दिन पहले हैरेसमेंट का शिकार हुई थी, तो मुझे इस चीज में मुझे शुभम मिश्रा ने और हिंदुस्तानी भाव ने बहुत सपोर्ट किया। झुकने वाले नहीं हम लोग, जिसको भी जो उखाड़ना उखाड़ लेना, और जिसको मेरा साथ देना है दो, नहीं देना है मत दो। कोई भी धर्म हो, किसी के धर्म का मजाक नहीं उड़ाना, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता है तुम लोग के ना ये सवाल उठाने से। शुभम मिश्रा को मेरा सपोर्ट। एयरपोर्ट का नाम छत्रपति शिवाजी क्यों? क्यों? तो गाइस अभी तक ये हिंदुस्तानी भाऊ के वीडियो तक का यही मैटर था गाइस। इसके बाद आज नहीं तो कल के बीच में गाइस शुभम मिश्रा की एक कॉल रिकॉर्डिंग भी लीक हुई, तो गाइस मैं आपको उसकी छोटी सी क्लिप सुनाना चाहूंगा। है कि मेरे को यार मिस जज कर रहे हैं, मतलब पब्लिक, कि मेरा सच में वो इंटेंशन नहीं था, मतलब जिस तरीके से ये रेप थ्रेड, मैं सोच भी नहीं सकता। और मैं सच बोलूं कि मेरे को बहुत ही खराब भी लग रहा है कि ये मेरे पे मेरी इमेज का पूरा बैंड बजा दिया। मैंने यहाँ पे वडोदरा में भी 14 साल की बच्ची का रेप हुआ था, तब भी मैं उसके घर पे जाके स्पेशली उसको मिल के आया था, उसको हौसला दे के आया था, उसके लिए वीडियो बनाया था मैंने और स्टैंड लिया था, जबकि मुझे पता है वो यूट्यूब पे नहीं चलेगा क्योंकि वडोदरा का मैटर है। पर फिर भी मैंने आवाज उठाई, उनके भाई लोग को मिला। मतलब मेरा कैरेक्टर ऐसा नहीं है, आज मेरे को बहुत खराब लग रहा है सच में। और भाई मेरे अपने लोग, यहाँ के लोग अगर शेयर कर रहे वो चीज, तो वो चीज हर्ट कर रही है मेरे को। मैंने जो गालियां दी वो खुद को, मेरे को अभी ऐसा, वो मैंने डिलीट भी कर दिया, और वो चीज के लिए मैं सॉरी वाला वीडियो भी बना रहा था,
कि अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि नहीं मैंने ज्यादा लिमिट क्रॉस कर दी, मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि इतनी गालियां नहीं देनी चाहिए। तो गाइज अब हमारी अगली न्यूज निकल कर रही है आशीष चंचलानी के बारे में। तो गाइज आज आशीष चंचलानी अपने इंस्टाग्राम पे कुछ रिएक्शन दिए हैं आसाम बिहार की फ्लड्स के लिए। तो गाइज आप आज उनके आपको स्टोरीज डिस्प्ले हो रही होगी। मैं गाइज ये न्यूज देख के एकदम थोड़ा चौंक गया। गाइज हर साल का आसाम में है ही, बिहार में जितना आपसे अगर हो सके तो आप कोई भी रिलीफ फंड्स में या पेटीएम के थ्रू डोनेट कर सकते हैं। गाइज हेल्प करो आसाम बिहार वालों को, क्योंकि बहुत लॉस होता है, फ्लड आना कोई मजाक बात नहीं है। और मुझे गाइज जो जो मेरी वीडियोस देख रहे हो मुझे कमेंट करके बताओ कि आप कहाँ से हो, कौन सी स्टेट से हो, कौन सी सिटी से हो। गाइज कमेंट करना ना भूलना। तो गाइज हमारी अगली न्यूज़ निकल के आ रही है टिकटॉक ऐप के बारे में, जो कि अभी हमारे इंडिया से एकदम गायब हो चुका है। तो गाइज इसमें एक ऑब्जेक्शन उठ रहे हैं एक आर्टिकल का, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ कि ये सब ऐप्स जो 59 ऐप्स बैन हुई हैं, इन लोगों से क्वेश्चंस पूछे गए हैं गाइज, कि वो हमारी जो जनता होती है इंडिया की, जो भी लोग यूज करते हैं उनका डाटा कहीं लीक नहीं करती, इसके बारे में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो गाइज इसका अगर रिप्लाई दे देती है अगर टिकटॉक या वही 59 ऐप्स जो भी हुई है गाइज टेम्पररीली बैन, तो गाइज वो फिर वापस आ सकती है, ऐसा टिकटॉक भी आ सकता है वापस अगर उसने प्रूव कर दिया। तो गाइज कौन कौन चाहता है कि टिकटॉक वापस आए, कौन कौन नहीं चाहता है, मुझे कमेंट सेक्शन पे जाके बताना गाइज। तो गाइज बस इस वीडियो पे इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो गाइज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको ये सब न्यूज़ जानना पसंद है। गाइज प्लीज़ सपोर्ट करो, मेरी मिस्टेक्स बताओ मैं क्या मिस्टेक्स करता हूँ, बाकी मेरी थोड़ी लैंग्वेज मतलब मैं कहना चाहूँगा मैं अच्छे से स्पीक नहीं कर पाता हूँ, धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी। मैं बीच में वीडियोस रेगुलर डाल रहा था तो मेरी प्रैक्टिस हो गई थी, तो गाइज मैं अभी गैप कैप पे डालता हूँ तो नहीं बोल पाता हूँ अच्छे से, मैं मान रहा हूँ ये गाइज ये मेरी एक पहली प्रॉब्लम है। तो गाइज बस इस वीडियो पे इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर ऑल, बाय बाय एंड स्टे एट होम।